नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न सितार में। दोस्तों मेरा नाम है अनुराग बंसल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खंड मेरु के ऊपर। दोस्तों आप सभी ने सुन रखा होगा खंड मेरु, तो आज उसी के ऊपर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि खंड मेरु क्या होता है और खंड मेरु को हम किस प्रकार से म्यूज़िक में प्रयोग करते हैं और खासकर हम अपने सितार में कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तो क्योंकि दोस्तों आपको अंत तक खंड मेरु के बारे में जानकारी हो जाएगी। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों खंड मेरु, सबसे पहले इसको जो शब्द है इसका मतलब हमको पता करना पड़ेगा। खंड मेरु का अर्थ होता है, सबसे पहले देखते हैं मेरु। तो मेरु दोस्तों एक पर्वत का नाम है जो आपने सुन रखा होगा, मेरु पर्वत, जो कि जहाँ पर देवता निवास करते थे प्राचीन समय में। तो मेरु यानी कि मेरु का जो आकार है वो सीधा है एकदम, पर्वत जो मेरु उसका आकार सीधा है। तो मेरु यानी कि सीधा, एक सीधी लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो वो मेरु कहलाएगी। जिस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइन चलती आ रही है सीधी, इसी को हम बोलते हैं मेरु, यानी कि सीधा गाना या सीधा बजाना, ये होता है मेरु। लेकिन अगर उसी सीधे को हम खंड खंड कर दें, उसको बांट दें, तो वो हो जाएगा मेरु खंड, उसकी खंड कर देना। ये एक सिंपल डेफिनेशन हुई दोस्तों। अब उसको देखते हैं कैसे। जैसे कि हम गा रहे हैं सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा नी सा, ये दोस्तों हम गा रहे हैं। तो दोस्तों हम सीधा सीधा गा रहे हैं, देखिए सा रे गा मा रे गा मा पा, देखिए दोस्तों इस पर हमने सीधा सीधा गाया, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से मेरु, सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों इसी को अगर हम ऐसे गाएं, अगर मैं मान लीजिए 300 ले लिए सारेगा, ये सीधा हो गया। अभी देखिए रे सागा गा सारे, तो इस तरीके से दोस्तों हमने अगर टेढ़ा मेढ़ा करके गाया उसको, कैसे ये होगा सीधा। फिर से देखिए एक बार सारेगा, फिर रे सागा, फिर सा गा सारे, फिर इस तरीके से दोस्तों अगर आप इसको टेढ़ा मेढ़ा करके गाएंगे उन स्वरों में, तो उसी को हम बोलते हैं खंड मेरु। यानी कि ये एक अलंकार का प्रकार है दोस्तों, और इस अलंकार के प्रकार में दोस्तों हम कुछ स्वर लेते हैं, जैसे कि 300 ले लिए 400 ले लिए, उन्हीं स्वरों को आगे पीछे करके अलग अलग तरीके से हम गाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं खंड मेरु दोस्तों। ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई आपको। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो हमने 300 लेते हैं सारेगा, इसको हम कितने तरीके से गा सकते हैं दोस्तों। देखिए पहला हो गया सारेगा, फिर रे सागा, दूसरा, फिर तीसरा देखिए गा सारे, ये तीसरा प्रकार हो गया। फिर चौथा प्रकार देखिए दोस्तों गा रे सा, फिर रे गा सा, फिर सा गा रे। तो देखा आपने दोस्तों, इसी तीन स्वरों को हमने 6 प्रकार से गाया। तो इस तरीके से दोस्तों हम स्वरों को, 3 स्वरों को, 4 स्वरों को, 5 स्वरों को, 6 स्वरों को, 7 स्वरों को भी हम लेकर खंड मेरु कर सकते हैं। मान लीजिए हमने बजाया तो एक ये हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खंड मेरु को प्रैक्टिस करने से उंगलियां जो होती हैं बड़ी आपकी अच्छी सेट होती हैं। अगर आप वोकलिस्ट हैं तो आप खंड मेरु की प्रैक्टिस करेंगे तो स्वर पक्के होते हैं आपके। तो खंड मेरु को दोस्तों मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी 3 या 4 स्वरों को या उससे भी अधिक स्वरों को लेकर हमें उनको आपस में ही घुमा फिरा के गाना है, तो उसको हम बोलते हैं खंड मेरु। दोस्तों इसको अलंकार के रूप में प्रयोग किया जाता है और कई सारे आर्टिस्ट इसका रियाज करते हैं ताकि उनका गला अच्छा हो, उनकी उंगलियां सेट हो सितार पर। तो दोस्तों आप भी इसका रियाज कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में 3 स्वरों के खंड मेरु ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सा रे गा रे सा गा गा सा रे गा रे सा रे गा सा गा फिर सा गा रे। इस तरीके से दोस्तों आप 3 3 स्वरों का फिर आगे बढ़ते जाइए इस चीज को। इस तरीके से उसको आप आगे बढ़ाते जाइए, तो ये आपका 3 स्वरों का खंड मेरु हो जाएगा, फिर 4 स्वरों का खंड मेरु, 5 स्वरों का खंड मेरु। इस तरीके से दोस्तों आप खंड मेरु की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पर और वोकल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों खंड मेरु की प्रैक्टिस करना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही सिंपल रखते हैं, शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बस एक इंट्रोड्यूस कराया कि खंड मेरु क्या होता है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इस खंड मेरु के अलंकार को लेकर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं खंड मेरु को लेकर एक अच्छा वीडियो और बना दूंगा, जिसमें सारे जितने भी 3 स्वर के खंड मेरु हुए, 4 स्वर के खंड मेरु हुए, 5 स्वर के खंड मेरु हुए, इन सबको लेकर एक विस्तार से एक चार्ट बना दूंगा, जिसमें आप उसका रियाज कर सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये छोटा वीडियो था आपको बताने के लिए खंड मेरु क्या होता है। तो आज मुझे उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है खंड मेरु को लेकर तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों खंड मेरु को लेकर और भी बहुत सारे लोग मानते हैं अलग अलग बातों को, पर जो प्रचलित है जो बात वो यही वाली है। इसके अलावा दोस्तों और भी मत हो सकते हैं खंड मेरु को लेकर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि और मत नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, पर जो प्रचलित मत दोस्तों है वो यही है कि खंड मेरु को एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्वरों को आगे पीछे करके टेढ़ा मेढ़ा करके गाना, उसी को हम खंड मेरु बोल सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो पर नहीं, और हमारा दोस्तों ट्रैवल चैनल भी है ट्रैवलर इंजीनियर, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और आप मुझे दोस्तों कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आपको आईडी शो हो रही होगी अभी, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो दोस्तों मेरे को आप। और भी दोस्तों हमारे जो सोशल मीडिया की लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाके आप चेक कीजिए एक बार, आपको लिंक मिल जाएंगी। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।